मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को संबोधित करने का अवसर दिया। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फारिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरिटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतीय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीयों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म से रशियन फार ईस्ट में तेजी से विकास आ सकता है।